और मैं हूँ ड्राइंग रूम में। देखिए सोफे के कवर मैंने कल धुले थे और धुल के सूख के यहाँ पे रखे और उसके अंदर भूल गई, क्योंकि साइड का कमरा है ना, बस कामों में लग गई, उसके अंदर भूल ही गई, मतलब पूरा दिन याद ही नहीं रही। तो कल कल नहीं, अभी मॉर्निंग में दरवाज़ा खुलना ही तो तब देखा कि यहाँ पड़े हुए हैं कवर, तो इनको भी बिछाऊँगी थोड़ी देर में, अभी तो नहीं बिछाऊँगी। और संडे आज तो बस संडे तो थोड़ा लेट उठा है और प्लस बारिश भी थी आज, रेनी डे भी है, तो बस इसलिए। और बस तो खैर बिना कवर के मेरे ये सूट बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बताया ना इस टाइप में। और यहाँ पर डाइनिंग कवर का भी मैंने दो रखा था, डाइनिंग का कवर भी, और ये वाली दिखाती हूँ आपको, कितनी सुंदर है देखिए, कितनी सुंदर टोपी है, और ये इस टाइप में भी है, देखिए इस टाइप में भी है, और इसको ना बैक कैमरा और इसे इस टाइप में देखिए, बकेट टाइप में है, और इसको फोल्ड करके और अच्छे से शोपीस टाइप में भी रख सकते हैं, और बहुत सुंदर है, वुडन का है, लकड़ी का है, बहुत सुंदर है। और हस्बैंड ने कश्मीर से मंगवाया था किसी से, तो यहाँ का नहीं है, कश्मीर का है, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर इस पर कलाकारी की हुई है। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप में रखी हुई है, और ये यहाँ की नहीं, ये हस्बैंड ने मंगाई हुई है कश्मीर से, तो हस्बैंड के कोई दोस्त है ना, दोस्त के भी कोई दोस्त थे तो वो गए थे, तो फिर मंगवाई थी हस्बैंड ने, और बहुत सुंदर लग रही है, और है भी बहुत अच्छी, लकड़ी की है ना, वुडन की है ना, लकड़ी की है, तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। और एक वीडियो मेरा भी हाँ परसों नहीं कल गया, और वो वीडियो ना मैंने मतलब गया तो कल है, लेकिन आप कह सकते हैं बना मैंने एक दो दिन पहले दिया था, यहाँ तक कि एडिटिंग कर दी थी, पूरा वीडियो रेडी था, लेकिन मैंने भेजा शायद दो दिन लेट भेजा या एक दिन लेट भेजा, तो पता नहीं क्यों फिलहाल मेरा बिल्कुल भी YT पे काम करने का मन नहीं कर रहा है। मैं बोल रही हूँ इसे वीडियो बिल्कुल रेडी था, लेकिन पब्लिश करने में भी मैंने दो दिन लगा दिया, पता नहीं क्यों इतना बोर सा हो रहा है, बहुत बोर सा हो रहा है, पता नहीं क्यों बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, हो जाता है कभी कभी मन नहीं करता है, तो इसलिए भी ज़्यादा वो भी नहीं कर रही हूँ, जब मन होगा तो फिर अच्छे से बनाऊँगी, क्योंकि बिना मन के फिर ना बोलने के में मज़ा आता है, ना ब्लॉग बनाने में मज़ा आता है, तो होता है ना जो काम हम बिना मन के करते हैं तो थोड़ा बोरिंग से जाता है, तो वैसे ही हो रहा है फिलहाल मेरे साथ, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो बस मैं ड्राइंग रूम में आई थी, तो मैं थोड़ी देर में ही सोफे के और मैं भी हो सकता है बिछाऊँ, मैं भी हो सकता है थोड़ा रुक के बिछाऊँ, क्योंकि कल धुले थे, उसके बाद फिर जब सूखने के बाद मैंने यहाँ रख दिए थे और फिर मैं भूल गई। और आज तो बारिश हो रही है, मतलब रात से ही बारिश लगी है, तो हल्की फुल्की, रात को तो तेज़ थी, अभी हल्की फुल्की है, लेकिन बारिश है, और मॉर्निंग की बारिश, अगर मॉर्निंग में बारिश हो जाए तो सारे काम थोड़ा अस्त व्यस्त, अगर मॉर्निंग में बारिश ना हो तो काम अच्छे से आते हैं, और दिन की या शाम की बारिश से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सुबह सुबह बारिश हो तो किच पिच, लेकिन आज संडे है और सब सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो अच्छा हो गया संडे प्लस रेनी डे, तो सब सो रहे हैं, और मैं भी थोड़ा लेट ही उठी हुआ, जैसा कुछ नहीं है, तो संडे था तो मैं चलो लेट उठते हैं, क्योंकि और दिन तो हो नहीं पा रहा, और मेरे ना पूरे बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं, तो बस मुझे कलर नहीं सॉरी मेहंदी लगानी है, तो राखी से पहले मुझे लगानी पड़ेगी, और इसीलिए मैं बहुत टाइम से लगा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं बोलूँ मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों आलस सा बोर सा हो रहा है, कभी कभी पता नहीं क्यों जाता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है, और बाल बिल्कुल आगे से बिल्कुल पूरे सफ़ेद हो चुके हैं, और अभी फ़िलहाल मैंने ऑयलिंग भी की हुई है, और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बरसात में से होते ही है ना नॉर्मली, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये इवनिंग टाइम का था, तो शाम को मैं और मेरी बेटी आ गए थे राखी लेने, तो कोई मार्केट नहीं गए थे हम, बगल में ही दुकान है, तो दीदी हैं उनकी दुकान है, बड़ी दुकान है, तो और लेकिन यहाँ पर ना अभी भीड़ नहीं थी, तो वैसे तो खैर शाम का टाइम था, लेकिन अभी भीड़ नहीं थी, तो धीरे धीरे जब अंधेरा होता है ना तो तब भीड़ बढ़ती है, तो इसलिए हम लोग पहले आ गए थे, तो वो लोग कह रहे जैसे ना ब्रेसलेट टाइप में हैं, वैसे तो ब्रेसलेट टाइप में लग रहे हैं, लेकिन दीदी लोग कह रहे थे कि राखियाँ, लेकिन मैं दिखा रही थी, वैसे मैंने ये ली नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसे कुछ खास नहीं, क्योंकि ये तो ब्रेसलेट टाइप में लग रहे थे, राखी टाइप में लग भी नहीं रहे थे, तो मैंने लिया नहीं था, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि आजकल राखियाँ भी एक से एक आ गई हैं, और भी थी ब्रेसलेट टाइप में, दो ली थी मैंने ब्रेसलेट टाइप में, लेकिन वो मैं दिखाना
भूल गई आप लोगों को, तो यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखिए कितने सारे, मैं नहीं, ये मेरी बेटी दिखा रही थी, मैं तो दुकान में सामान ले रही थी, तो यहाँ पे मेरी बेटी दिखा रही है एक से एक, देखिए राखियाँ कैसी कैसी, अब तो राखियाँ भी ऐसी ऐसी आने लगी है ना बच्चों की, खासकर बच्चों की, तो ऐसी ऐसी जैसे भीम वाली, डोरेमोन वाली, गणेशा वाली, और ये देखिए सिंचैन वाली, और बच्चों को यही पसंद आती है, रुकती है 2 मिनट, मतलब रुकती नहीं है ज़्यादा देर, जैसे बच्चे पहनते हैं तो निकल जाती हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादातर ना यही राखियाँ पसंद आती हैं। तो बेटे के लिए तो खैर मैंने 2 ली थी, एक गणेशा वाली ले ली थी और एक भीम वाली ले ली थी, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं रहता है मूड का उसका, खासकर उसका तो मूड का कोई पता नहीं रहता है उसे क्या पसंद है क्या ना है। तो ये देखिए यहाँ पे डोरेमोन, ये वाली तो नहीं ली थी मैंने, खैर डोरेमोन वाली, लेकिन यहाँ पे बेटी दिखा रही है आपको, कितनी सारी यहाँ पे राखियाँ ही राखियाँ थी, और मेन बात ये था कि अभी यहाँ पे भीड़ नहीं था तो वीडियो लेना बहुत ही ईजी हो रहा था, ये वाली राखी भी बहुत सुंदर लग रही थी। और ये तो जैसे छोटे बच्चे के लिए जो घुंघरू वाली होती है ना छोटे बच्चे के लिए, उस टाइप की राखी है, और ये वाली मैंने खरीदी थी, और ये डोरेमोन वाली, एक बार हमने डोरेमोन वाले ले रहे थे लेकिन हमने फिर डोरेमोन वाली नहीं ली, तो और बस राखियाँ ही राखियाँ हैं। और छोटी सी राखी की शॉपिंग हमने कर ली थी, मार्केट जाते तो पूरा दिन लगता और मार्केट से ऐसा कुछ मुझे लेना नहीं था, ये देखिए ये वाली डोरे, ये सॉरी भीम वाली भी हमने ली थी, तो बस बच्चों वाली, खासकर जो अपने बच्चों के लिए या भाइयों के लिए लेनी थी वो मेरी बेटी ने ले ली थी, लेकिन यहाँ पे मैं फिर अपने बच्चों के लिए देख रही थी। तो बेटी ने पहले डोरेमोन वाली ली थी, लेकिन मैं डोरेमोन वाली वापस करके फिर गणेशा वाली ली थी, और उसके बाद घर आके यहाँ पे कपड़े मैंने आज कपड़े देर में धुले थे, तो सारे कपड़े आप गीले तो नहीं कर सकते लेकिन हल्के फुलके ना ठंडे टाइप के थे, तो लेकिन ना मेरा ना जैसे हल्के फुलके ठंडे हैं या हल्के भी गीले हैं तो मुझे अलमीरा में रखने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता, खासकर बरसात में तो बिल्कुल भी नहीं, फिर से क्या होता है ना कि जो अलमीरा में सूखे कपड़े होते हैं उनमें भी स्मेल सी आने लगती है, तो ये है कि धूप, वैसे तो खैर धूप थी मॉर्निंग से दिन तक अच्छी धूप थी, लेकिन मैंने कपड़े देर धुले थे, लेट धुले थे क्योंकि संडे का दिन था, संडे को काम ज़्यादा आते हैं, लेकिन बस मैं जो प्रेस वाले कपड़े हैं वो साइड कर रही हूँ, और जो एक दिन पहले के कपड़े हैं उनको तैरा के रख रही हूँ, जो आज के कपड़े हैं मैं चेयर में रख लूँगी और दूसरे दिन इन्हें एक और धूप अच्छे से दिखाऊँगी और उसके बाद ही इन्हें अंदर रखूँगी, तो क्योंकि मन नहीं करता बिल्कुल भी बरसात में हल्के गीले कपड़े भी रखने का मन नहीं करता। और उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, जैसे मैंने मॉर्निंग में आपको दिखाया था, तो पहले मैंने डाइनिंग का कवर बिछा लिया है, उसके बाद जो ये साइड वाले पोर्शन वाले साइड वाले जो ये होती हैं मैट टाइप की होती हैं ये भी बिछा लूँगी, और उसके बाद मुझे बिछाने हैं सोफ़े के कवर, तो बस मॉर्निंग से लेकर इवनिंग में जाकर मुझे टाइम हुआ है कि मैं ड्राइंग रूम में इन्हें बिछाने के लिए आ पाई हूँ। तो साफ़ सफाई तो कर ली थी लेकिन वही हुआ क्योंकि इनको ना बिछाने में भी थोड़ा टाइम लगा, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि दो पोर्शन में, दो साइड में है, एक तरफ ये लाइट गोल्डन और ग्रीन है और दूसरी तरफ डार्क ग्रीन टाइप में है, तो मैं दोनों साइड अदल बदल के बिछाती रहती हूँ, तो 2 साइड वाले हैं ये और अच्छे लगते हैं, डार्क कलर के हैं अच्छे लगते हैं, और इन्हें बिछाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक तो सोफ़े थोड़ा वैसे है ना, तो साइड साइड से दबाने में उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और यहाँ पर मैं सारे सोफ़े कर फटाफट से बिछा लूँगा। और यहाँ पे मैंने लगभग लगभग सारे सोफ़े के कवर भी बिछा लिए थे, और वो ये जो काम अगर हम छोड़ देते हैं ना तो वो छूटता ही जाता है, और देखिए यहाँ पे मेरा पूरा ड्राइंग रूम अच्छे से सेट हो गया है, और यहाँ पे मेरी चुन्नी भी पड़ी हुई थी जो कि मैं भूल गई देखना, तो कवर मैंने बिछा लिए और मॉर्निंग से अब जाके इवनिंग में मुझे टाइम हो पाया कवर बिछाने का, सोफ़े कवर मैंने बिछा लिए, तो यहाँ पर बंद कर देंगे, अंधेरा सा हो गया। और मुझे अभी मैंने कुछ कपड़े तय लगाए कुछ जो हल्के मतलब गीले तो नहीं कर सकते लेकिन हल्के फिर भी थोड़ा अजीब से, तो मैं उसे अलमीरा में रखती हूँ, भारी रखे मैंने चेयर में, तो अगर धूप भी तो मे भी इस मॉर्निंग में धूप में डालूँ मैं। और अभी मेरे यहाँ पे कुछ कपड़े हैं प्रेस के लिए, बच्चों के स्कूल के कपड़े भी हैं और हस्बैंड के ड्यूटी के कपड़े भी हैं, बच्चों के स्कूल के कपड़े हैं, तो कपड़े हैं प्रेस करने के लिए, तो मुझे कपड़े करने हैं अभी प्रेस, तो कपड़े प्रेस करूँगी बस। थोड़ा सा आज हम गए थे राखी लेने, राखी की शॉपिंग भी कह सकते हैं, शॉपिंग तो क्या कह सकते हैं, बस थोड़ी सी बगल मतलब पास में ही दुकान है, दुकान में ही गई थे, मार्केट तो मैं गई नहीं क्योंकि
मार्केट जाने का टाइम नहीं था, और मार्केट जाने का वही जाता है अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको लेनी हो तो आप मार्केट जाओ, तो मार्केट तो मैं ऐसा कोई काम था नहीं। और फिर यहाँ ना सब कुछ मिल जाता है, मतलब आसपास में सारा सामान मिल जाता है। तो राखियाँ मैं आज ले, आज संडे है तो टाइम था तो मैं ले आई थी, क्योंकि फिर अभी क्या हो रहा है, कभी बच्चों के टेस्ट हैं, स्कूल है, कभी कुछ सर, कभी कुछ काम है, कभी कुछ काम है, तो बच्चों का टाइम नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा आज टाइम है तो मैं बेटी के साथ चल गई थी और मैं ले आई राखियाँ, मैं ले के आ गई हूँ। और मुझे करने हैं कपड़े प्रेस, उसके बाद फिर वही कपड़े प्रेस का काम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे कपड़े प्रेस के लिए थे। तो संडे का दिन था, मंडे को बच्चों का था स्कूल, तो बच्चों के स्कूल के कपड़े रखे हुए थे प्रेस करने के लिए, क्योंकि अब ये भी काम बढ़ गया है, बच्चों के स्कूल के कपड़े भी लगभग लगभग डेली प्रेस करने पड़ते हैं, और कपड़े ना धोने भी लगभग डेली पड़ते हैं। जैसे आजकल बरसात का टाइम है तो मेरे बच्चों की जो वाइट ड्रेस होती है ना, जो हाउस ड्रेस होती है, वाइट ड्रेस होती है, तो वो फ़िलहाल में बंद हो रखी है। लेकिन अभी तो खैर संडे है, मंडे को तो खैर यही वाली जाती है, लेकिन जैसे वेडनेसडे सैटरडे को वाइट ड्रेस जाती है तो वो अभी फ़िलहाल बंद हो रखी है। और ये टी शर्ट है हस्बैंड की, तो बच्चों के कपड़े मैंने प्रेस करके साइड करती जा रही हूँ, रखती जा रही हूँ, और उनको फिर मैं जैसे शाम को प्रेस कर रही हूँ तो बाहर ही निकाल के रख लूँगी। अरे देखिए बीच में ये आ गया, तो ये पता नहीं क्या, अपनी मुझसे तो नहीं पूछा था, अपनी दीदी से पूछा था। और शाम को डिनर में हमने आज बनाया था मैगी, वेजिटेबल वाली सब्जी वाली हमने मैगी बनाई थी गर्मा गर्म। आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए। यही थी मेरी छोटी शेयरिंग। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।